बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद राबिया। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल ब्राउन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चीज़ों को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें। तो चावल मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस लिए हैं, ब्राउन बासमती राइस 1 कप, और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। तो मेथड यहाँ पे 1 लीटर पानी में मैंने ब्राउन बासमती राइस को वॉश कर लिया था, 1 कप मैंने लिया है, और इस पानी में मैं चावलों को ऐड कर दूंगी। और इसमें 2 टीस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। और इसे मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि चावल यहाँ पे गल जाए। तो आधा घंटा हो चुका है और चावल यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनका पानी स्ट्रेन कर दूंगी। चावलों को बॉईल करने के बाद चावल यहाँ पे 2 कप हो चुके हैं, तो हमें 2 कप ब्राउन राइस की ज़रूरत है। बंद गोभी मैंने यहाँ पे ली है 2 कलर में, हाफ हाफ। 1 अदद चाइनीज़ गाजर ली है और 1 अदद शिमला मिर्च। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून अनियन और 3 टेबलस्पून ग्रीन अनियन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। रेड चिली सॉस ली है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर और 2 अदद अंडे लिए हैं। और ऑयल ऑयल मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। तो चलिए हम फ्राइड राइस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम मैं यहाँ पे मीडियम रखूँगी और इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें फेंटे हुए अंडे ऐड करूँगी और अंडों को मिक्स करके इसका स्क्रम्बल बना लूँगी। इस तरीके से आपने स्क्रम्बल बना लेना है। एग स्क्रम्बल हमारा यहाँ बन के रेडी है। अब मैं इसे एक साइड पे कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूंगी। लहसुन ऐड करने के बाद इसे लाइट सोते करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो लहसुन यहाँ पे सोते हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। और इसे मैं अंडे में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च। सब्जियों को मैं एक एक करके ऐड करूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चाइनीज गाजर भी मिक्स करूंगी। अब मैं दोनों कलर में बंद गोभी ऐड कर दूंगी। इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी स्वीट कॉर्न 3 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है। मिक्स करूंगी और इसमें ऐड करूंगी नमक, सफेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड ब्राउन राइस, और ब्राउन राइस को मैं इन चीजों में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो चावल यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट 3 टेबलस्पून, और इनको भी मैं चावलों में मिक्स कर लूंगी।
वेजिटेबल प्रॉन फ्राइड राइस हमारे यहाँ बन के रेडी है। आई होप आपको मेरी ये प्रॉन फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए और मेरी हेल्दी रेसिपीज़ को ज़रूर इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।